ना हमारा इंटरेस्ट था मुनसफ में जाने का, पर्टिकुलरली मुनसफ की बात करें। एचजीएस कहीं ना कहीं मन में दबा होता है कि नहीं साहब एचजीएस का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अब इतना वर्कलोड हो गया है। आप अगर वकालत में पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरा ऑनेस्टी मतलब डेड कि हमको करना है, ठीक है, इसके साथ उतरेंगे, तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइनली बता रहे हैं आपको कि अच्छे वकीलों की, अच्छे लिटिगेंट्स की बहुत कमी है, बहुत कमी है। और आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, आप इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना कमाएंगे कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए पैमाना क्या है, मतलब आजकल क्या है, वो स्वांत सुखाए वाला पेशा तो अब नहीं रह गया, क्योंकि वकालत तो लॉर्ड डेनिंग के हिसाब से जेंटलमैन्स प्रोफेशन है, ठीक है। आप एक पहन लीजिए गाउन और पीछे जेब रहता था, जो मन जिसका हो डाल दीजिए, वो बड़े आदमी करते थे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू टाइप के लोग, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज का पैमाना ये है कि आप कितना कमा लेते हैं, आपका ITR कितना जो है 6 संख्या में है, yes, ये इम्पोर्टेंट है, है ना। 5 संख्या छोड़ दीजिए, अब 6 संख्याओं में कितना रहेगा उससे मतलब है ITR से, तो वही एक पैमाना है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी जगह पर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 0 से शुरुआत की है, ठीक है। देखिए भाग्यवादी होना ठीक है, लेकिन एक कहावत है ना, तुलसीदास ने कहा कि कुछ करनी कुछ कर्मगति, बिना आपके कर्म के आपके बनाई हुई चीज़ों से व्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। इन रेखाओं पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन बेसिक साइंस जो इसके पीछे वो ये है कि हाथ मुड़ेगा नहीं अगर ये रेखाएं बनी रही आएंगी, तो सीधा अगर इसको प्लेन कर दिया जाए, फ्रिक्शन लेस कर दिया, ये मुड़ेगा कैसे हाथ, बताइए। तो मेन काम इसका ये है, और ये मोड़ने का तात्पर्य हम इसको सिम्बॉलिक करते हैं आपके कर्म से, कि आप कितना ऐसा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कितना इससे जो है आप मेहनत कर रहे हैं। तो अब इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपने कर्म से ही आप अपना भाग्य बनाते हैं। तो जो व्यक्ति कर्मवान है, जो व्यक्ति निष्ठावान है अपने काम के प्रति, वो लिटिगेशन में जाए, और जिस व्यक्ति को ये भय है कि हम सिक्योर कैसे करेंगे अपने लाइफ को, वो जुडिशरी में जाए। ये मेरा सोच है, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ भाई, आपसे मैं थोड़ा थोड़ा परिचित लग रहा हूँ, आपका चेहरा देखा आप। औरंगाबाद आए हैं क्या? नहीं नहीं, औरंगाबाद नहीं आए, कुछ कुछ चेहरा आपका देखा हुआ लग रहा है, हो सकता है भाई एक जैसे साथ। हाँ सर, कोई कोई होगा, सर वो होता है ना कि एक सिमिलर फेस होता है। जी जी हाँ, देखे होंगे जी हाँ, उनके जैसे किसी। हाँ, तो जो व्यक्ति मतलब कुछ डेयरिंग हो, वो आए वकालत में, उसके साथ उसको मजा आएगा। वकालत एक बहुत ज़बरदस्त पेशा है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि चूँकि कई सारे मतलब कंपनीज़ के जो कि कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हिंडालको का काम हमारे पास है, नॉर्दर्न कोलफील्ड का काम हम करते हैं, और तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ग्लोबिक लॉजिस्टिक एक बड़ी कंपनी है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी कंपनी, मतलब वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट। जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती है ना, वो गवर्नमेंट किसी भी कंपनीज़ को जिनका सामान इधर से उधर आना जाना होता है, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबिक लॉजिस्टिक एक अग्रणी कंपनियों में से एक है, स्टॉक लिस्टेड है, आप कभी NSE BSE पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, उसका काम भी हम करते हैं। तो हम तो इस बात के लिए भी आगे हैं, HDFC भी है, HDFC का हम काम करते हैं। तो कुछ जगहों को तो हम डिनाई कर दिए, जैसे बैंक और एक्सिस वगैरह को डिनाई कर दिए, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, हम डिनाई कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि हम जो है चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि हम लिटिगेशन में आए, या बहुत सारी रीजंस होते हैं भाई, देखिए हमेशा हर व्यक्ति को एक पैमाने पे नहीं तोला जा सकता, yes, एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, तो किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या नहीं समस्या है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, तो उस विषय से अगर कोई इस तरह मतलब ये सोच रहा है कि नहीं साहब हमको इमीडिएट पैसे की आवश्यकता है, फाइनेंशियली इशू भी होती है लोगों के साथ, वो बड़ा विषय है। तो अगर ये समस्या है तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि लोगों को जो है कहीं प्लेस कर सके। हम इस बात की चर्चा भी किए, जैसे आपके यहाँ रजनीश सिंह साहब है, यस सर, थोड़ा प्लेसमेंट उसमेंट को लेकर वो कंसर्न रहते हैं, उन लोगों से भी हमने बात बात की, हमने कहा कि आप चाहें तो हम इन कंपनियों से कह दें कि ये आवे दो चार, मतलब मैं कहता हूँ अगर 300 बच्चों का बैच है, 350 बच्चों का बैच है, अगर मेरे तरफ से 10 बच्चों की भी नौकरी लग जाती है ना, आप स्टार्टिंग भी कम से कम 25,000-30,000 पाएंगे स्टार्टिंग में भी, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कोई बुराई नहीं। और रही बात जो है आप अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं उसके, तो फिर वो तो तैयारी का सब्जेक्ट है भाई, yes, तो आप बैठ के तैयारी करिए, मेहनत करिए, कोई विषय कोई क्षेत्र बुरा नहीं है, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें, आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में हो वो वही क्षेत्र आपके लिए है। वकालत जो है हम यही सीखे हैं अपने गुरुजनों से, जो यहाँ हमने पढ़ा है और जो हमारा अपना मनोभाव रहा है कि वकालत इज़ द बेस्ट, इसको सबसे निम्न श्रेणी में आज के समय में रखा जा रहा है, यस सर, लेकिन वो सबसे बेस्ट है, टफ है इसलिए क्योंकि वो टफ है ना, वो आसान नहीं है, वो आपको अपना जगह पर एक अपने आप को स्थापित करने में बहुत समय लगाएगा। हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मैं मेरे पीछे कोई नहीं है,
मेरे पिताजी जो है लॉ ग्रेजुएट जरूर थे लेकिन मेरे पिताजी वकालत नहीं करते थे, ठीक है। मेरे घर में जुडिशरी में भी लोग हैं लेकिन कोई वकालत में नहीं, ठीक है। जुडिशरी में दरअसल मेरे दादाजी के छोटे भाई थे, मेरे अपने लीनियज में नहीं थे जुडिशरी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ बनारस कचहरी में कोई संबंध नहीं, मतलब यूपी में भी नहीं था, जो हमारे छोटे दादाजी थे वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ बनारस कचहरी में कोई हमारा नहीं था। यहाँ पे हमने जीरो से स्टार्ट किया है और जो मिला प्रभु की कृपा से आज की तारीख में प्रीनंदन वगैरह आप लोग जो आते हैं, अमित जी है वगैरह जो लोग आते हैं देखते हैं, तो कहने का तात्पर्य है, हाँ कहने का तात्पर्य हमारा इतना सा है कि अगर लिटिगेशन में जाना है तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार करिए, प्रोसीजरल चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए। प्रोसीजरल इन द सेंस कि देखिए, जैसे एक तो सबसे बड़ी जो भ्रांति लोगों के मन में रहती है कि साहब हम क्रिमिनल ही करेंगे, हम सिविल ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर मत करिए। कम से कम शुरू के 5 साल, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, शुरू के 5 साल सारा काम करिए, सब कुछ काम करिए, चाहे आपको क्रिमिनल मिले, चाहे सिविल मिले, सिविल में कॉरपोरेट मिले, चाहे आपको जो है आर्बिट्रेशन मिले, चाहे जो है आपको आईपीआर का काम मिले, हर तरह के काम को करिए सीनियर के सानिध्य में, सीनियर के सानिध्य में। और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि थोड़ा सा जो है सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो है आप किसी भी काम को करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप अपने सीनियर तक कन्फाइंड रहें। एक वो 3 इडियट का डायलॉग है ना कि ज्ञान बट रहा है, देखिए हर चीज़ से अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। आमिर खान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, उससे हमें लेना लगना नहीं है, किसी की जो है अच्छी बातों को ग्रस्त करना चाहिए। तो ज्ञान बट रहा है तो जहाँ जैसे जिससे आपका अच्छा संबंध बने, संबंध बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, वकालत एक बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए है, क्योंकि वकालत आपको वांग्मय में ले जाके खड़ा कर देता है ना, एक दुनिया के वांग्मय, दुनिया रूपी वांग्मय में खड़ा कर देता है, वहाँ जाकर आपको जो है वांग्मय मतलब एक परिसर जो आपका कह सकते हैं कि टोटैलिटी में जो आप चीज़ें हैं जहाँ पे जाकर आपको अब अकेले लड़ना है चीज़ों से, अब आपको अपने आप को देखना, अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं न्यूट्रल चीज़ें भी हैं, आपको अडॉप्ट करना है कि नहीं साहब हमको क्या लेना है, क्या क्या किन चीज़ों से मैनेजमेंट अपने आप चलाना है, ये एक जो है वांग्मय का तात्पर्य हमारा कहने का है। तो ये आपको वहाँ ले जाके खड़ा कर देती है दुनिया, ठीक है। अब आप जो है अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को चला रहे हैं, अब यहाँ से लाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है। सीनियर आपका क्या मदद करेगा, सिर्फ इतना ही मदद कर देगा कि साहब जैसे मान लीजिए आपको FIR लिखना है, ठीक है, आपको कंप्लेंट करना है, वो एक तरीका बता देगा साहब ये, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग आपको लगाना होगा, ठीक। शुरुआत के 2-4-5 साल कठिन होते हैं लिटिगेशन में, शुरुआत के 2-4-5 साल कठिन होते हैं, आसान नहीं होते। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि लिटिगेशन से लोग इतना प्रभावित रहते हैं, जैसे एक हमारे सीनियर विकेश राम त्रिपाठी, अगर आप लोग जानते हो तो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है DU में, यस सर, पहले वकालत करते थे फिर DU में चले गए, अब उनका कहना नहीं फिर वकालत में आ रहा है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है। तो जो एक बार वकालत कर लिया, फ्रीलांसिंग का काम होता है नहीं, तो एक बार आप काम कर लिए फिर उस क्षेत्र से आपको जाने का आगे कहीं मन नहीं पड़ेगा। आप अपना फर्स्ट अनुभव शेयर कर सकते हैं, हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं, फर्स्ट अनुभव किस सेंस, स्टार्टिंग का 5 साल जो सर डर वही है स्टेबल होने में सर जो समय लगता है, क्या करेंगे फर्स्ट केस। देखिए ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका कि हाउ आई गेट द फर्स्ट केस। तो एक परिचित हमारे व्यक्ति के, मैंने कहा ना संबंध का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो 90% मेरा सजेशन ये होगा कि वो अपने क्षेत्र में प्रैक्टिस करें, है ना। उससे क्या है कि जैसे बड़ी साधारण सी बात है कि आप वहाँ आप पुश्तों से रह रहे होंगे, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके फलाने ढमकाने सब लोग वहीं रह रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं 1 साल 6 महीना 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट होगा कि साहब फलाने के लड़के जो है वकालत कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको केसेस मिलना शुरू होंगे पहली बार। दूसरा एक तरीका और केस पाने का होता है कि जैसे आप सीनियर को इतना विवश कर दीजिए कि वो आपके ऊपर एकदम नील डाउन हो जाए कि आपके बिना उसका काम ना चले, इस हाँ इतना इस लेवल पे आप जो है काम कर दीजिए कि आपके अलावा उसका काम ही ना चले, वो आपके लिए विवश हो जाएगा, आप छोड़ के जाएंगे तो वो महसूस करे कि हम क्या करेंगे, ये भी एक तरीका है। तो फिर उस स्थिति में सीनियर क्या करता है कि तब उस स्थिति में सीनियर आपको स्टाइपेंड की जगह धीरे धीरे शेयर होल्डर बनाना शुरू कर देता है। बहुत कम होता है लेकिन सर डायरेक्ट आपसे जुड़ते हैं भाई, कम होता है लेकिन होता है ना, ये मानते हैं ना। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र इसी होने के लिए मशहूर है, ये मानते हैं कि नहीं आप, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र यही होने के लिए मशहूर है, ये यहीं के बच्चों में कैपेबिलिटी है कि जो ये कर सकते हैं, ये जो होना बता रहे हैं आपने यही यहीं के बच्चे कर सकते हैं, कहीं और के नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ जज के सामने। हाँ वो भी बता रहे हैं, देखिए बड़ा हिलेरियस आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं।
जज साहब थे, नाम हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का नहीं था, तरुण शर्मा नाम था उनका। और पहली बार हमारे पड़ोस में एक लड़का था, हम लोग के साथ बचपन में क्रिकेट खेलता था। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने परिवेश में रहेंगे तो आपको काम मिलेगा, तो उसको पता चला 6-7 महीना हमको लगभग हो गया था, 6 महीने तक मेरे पास कोई केस नहीं आया, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा व्यक्तिगत कोई केस नहीं था 6 महीने तक। मैं जब 2010 में LLB फर्स्ट ईयर में आया हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक सवाल और ले लीजिए, 6 महीने तक आपने मतलब मैनेज कैसे किया था? हाँ बता रहे हैं, आ रहे हैं सब, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। 6 महीने क्या हो सकता है, साल भर मैनेज ना हो। नहीं, हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल बता रहे हैं आपको, 6 महीने क्या, साल भर नहीं, 2 साल का आपको अनुभव बता रहे, 3-4 साल का अनुभव बताते हैं आपको। 2010 में जब हम LLB में आए फर्स्ट ईयर में, तो हमारा इंटरेस्ट पहले से था लिटिगेशन में जाने का। तो जब पहला सेमेस्टर बीता था, पहला सेमेस्टर, तो ये सब इंटर्नशिप वाला चक्कर जो सब होता ही है, जानते ही आप लोग अब तो ज़्यादा वो ग्रो कर गया होगा। तो उस समय हम लोग के टाइम मतलब इतना नहीं लोग कहते थे, जाना आ जाइए, ना जाना हो ना जाइए, एक तो डायरी बना लीजिए और केस डायरी, कोर्ट डायरी वगैरह बना के जमा कर दीजिए, साइन करा के, यही होता था। तो 2010 का नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकेंड सेमेस्टर जब ख़त्म हुआ, ये गर्मियों का जब छुट्टियाँ होती हैं, तो हम कोर्ट जाना शुरू किए। तो यहाँ एक सरकारी वकील हुआ करते थे, अनिल कुमार सिंह, 2018 में वो हट गए DGC पद पे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जो आपके CRPC में मेंशन है। तो उनके यहाँ हम जाते थे, उनका घर यही दारा नगर में है। तो आप ये जान लीजिए कि पैसा वैसा हमको नहीं देते थे कोने, जान लीजिए। और इस स्तर का ये रहते कि यहू कहते थे हमको कि मेरा काम करना है तो यहीं रहो, अपना काम करना तो चले जाओ, मतलब आप अपना केस नहीं करिए, उन्हीं का काम करिए, खाली पैसा भी पाइए, हवा पीजिए खाली साथ में रहते। ये दशा है सीनियरों की, बता रहे हैं आपको। तो इसीलिए तो संस्था की ज़रूरत होती है ना, जब आप किसी अपने संस्थागत सीनियर से संबंध में आएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो एक कंपैशनेट बिहेवियर रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो 2010 में हम जो है उनके पास जाना शुरू कर दिए थे, करते क्या थे, चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल थे क्रिमिनल के, तो उनके पास रोज के 25-30 बेल लगते थे, बेल रोज, गवर्नमेंट काउंसिल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो रोज यही केस लगेगा, तो उनका लगता था। तो हम क्या करते थे कि जाते थे, केस डायरी हो गया, पोस्टमार्टम हो गया और FIR हो गया, सब पढ़ना, और कुछ 2-3 चीज़ें उन लोगों से सीखे जो उनके साथ रहते थे, काम करते थे। फिर उसके बाद जो है हम अपना 20-25 केस अगर होता था, तो उसमें से 10-15 केस अपना हम तैयार करके आते थे, पूरा नोट्स तैयार करना, और हमको बच जाता था करीब करीब, हमको अच्छे से याद है कि हम उस समय करीब 10:30-11 यहाँ से, क्लास का क्या आलम है आप लोग जानते ही हैं, 4-5 क्लास ख़त्म होता था, उसके बाद शाम को चले जाते, और वहाँ से हम लगभग जो है 6 बजे पहुँचना, तो फिर करीब 10 बज जाता था, चीज़ें नोट्स वोट बना के करके आते थे, वो अपना दूसरे दिन आर्ग्यू करते थे। जिस दिन फैकल्टी में क्लास वास कम होती थी या ऐसा रहता था कि अटेंडेंस मैनेजेबल है, उस दिन हम चले जाते थे वहाँ कचहरी, टाई वाई बांध के अपना कचहरी पहुँच जाते थे। उसके बाद फिर जो है अपना उनके साथ कोर्ट वोट पर घूमते थे, देखते थे, जैसे अभी आप कर रहे हैं। 2011 में हम आपको बता रहे हैं, 23 जुलाई 2011 को एक केस का जजमेंट आया था, टोमैसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस टोमैसो ब्रूनो एंड अदर्स। उसकी हिस्ट्री मतलब आज तो इतने केसेस करते हैं, कल कुछ कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ता है कि कल करना है, लेकिन वो केस आज तक हमको याद है क्योंकि मेरे लाइफ का पहला जजमेंट था, मतलब बींग अ लॉ स्टूडेंट वो पहला जजमेंट था मेरी लाइफ का। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और हम लोग स्टेट की तरफ से थे, हम लोग जीते थे उस केस को, मर्डर का मैटर था, Section 302(34) ICC, और उसमें जो है टोमैसो ब्रूनो और फ्रांसिस्को, नहीं एलिजाबेट्टा, टोमैसो ब्रूनो और एलिजाबेट्टा, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और जो डिसीज्ड पर्सन था वो फ्रांसिस्को था, इसको ये लोग जो है विद इन 4 वॉल ऑफ द रूम ये लोग मारे थे, ठीक है। तो ये लोग मारकर किए थे, उसको मर्डर कर दिए थे, उसी पर केस चला था। तो उसमें जब ट्रायल चल रहा था, तो सब कुछ होने के बाद TW1 और Section 313 सारा जो प्रोसीजर होता है ट्रायल का, सेशन ट्रायल का, तो वो होने के बाद फिर जो है आर्ग्यूमेंट स्टेज पे जब फाइल थी, तो मेरे सीनियर का ये एहसान है, मैं जीवन भर इसको मानता हूँ, पैसा भले नहीं देते थे लेकिन जो दिया उन्होंने वो बड़ी चीज़ थी। उसी समय फर्स्ट ईयर में ही मैंने ट्रायल के फाइनल स्टेज पर मैंने आर्ग्यू किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, 2 अक्यूज थे, एक मरा हुआ था, अंदर डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का चेन आपको डेवलप करना पड़ता है, जानते हैं एक भी चीज़ हटा तो चेन कोलैप्स हो जाएगी, और द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मोटिव, मोटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी वो केस लॉ मुझे याद है, 2010 का केस लॉ था, लेटेस्ट G. Parshvanath वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, दैट इफ द मोटिव इज नॉट प्रेजेंट इन द चेन, इवन दो द चेन विल नॉट कोलैप्स,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोटिव एब्सेंट है तो आप ये कह दीजिए कि उनको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट मैंने किया था, एडीजे 14 थे राम मनोहर नारायण मिश्रा, याद है एकदम हमको, वो भूलता नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है ये अच्छी बात थी सीनियर्स में, सीनियर में हमारे, कि वो हमको अपॉर्चुनिटी देते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमको उस समय डिस्ट्रिक्ट जज साहब एक अरविंद त्रिपाठी हुआ करते थे, अरविंद त्रिपाठी थे। तो क्या करते थे कि जैसे जिस दिन कोर्ट वोट रहती थी, कभी कभी तो हमको कहते थे आज आ जाओ यार, आज काम ज़्यादा है आ जाओ। धीरे धीरे मेरे ऊपर रिलाई अपॉन होने लगे, तो आज आ जाओ। तो आ जाने में ये होता था कि जाना, आप जैसे देखे होंगे कोर्ट में आप जाते हैं तो एक तो आलोक शुक्ला जो महानुभाव हैं उनके साथ कुछ एक आदमी खड़े रहते हैं ना जो आर्ग्यू करते हैं, तो वही काम हम करते थे उनके साथ, उनका डायरी लेना और बेल तैयार करना, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने बेल आर्ग्यू करते थे। ये हम 2011 से ही करना शुरू कर दिए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया भाई, देखिए जिले की सबसे बड़ी अदालत जिला जज की अदालत है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। तो धीरे 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 जो है आर्ग्यू करने का तरीका कोर्ट के सामने, देखिए पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो तो भाई एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जाएंगे उतरेंगे तभी तो क्लियर होगा, ऐसे तो क्लियर होगा। तो चीज़ें हमको क्लियर होने लगी धीरे धीरे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, वे ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया, कैसे चीज़ों को क्लिक आउट करते हैं, कैसे जो है आप ग्रेन में से शेफ निकालेंगे अलग करेंगे, सब ये सब चीज़ें क्लियर होने लगी धीरे धीरे। फिर 2013 तक हम ये कहानी करते रहे। 20 जून सन 2013 को हमारा रिजल्ट आया था, ठीक है। तो हमारे साथ का एक लड़का था अमित यादव, जो अभी मजिस्ट्रेट है, वो बड़ी तैयारी करता था, यही रहता था भगवान दास में रहा, चाणक्य भी बन गया था उस समय तक, उसमें भी रहा, फिर एलएलबी के बाद वो छोड़ दिया, एलएलएम नहीं किया था, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी निकाला था, बड़ी मेहनत करता था वो, रटता था, ये बात एकदम कायदे से बेयर एक्ट लेकर रटता था। तो लोग कहते थे कि एक तो अमित यादव गए जुडिशरी में, कि तो अनुपम द्विवेदी का लिटिगेशन, ये बात कहा जाता था। तो हम 20 जून 2013 को हमारा जब रिजल्ट आया था, तो हम लोग जो है अपना मार्कशीट वगैरह हम लेकर, पूरा डॉक्यूमेंट लेकर, हम लगभग 24 या 25 जून को हम इलाहाबाद थे बार काउंसिल के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए, करा और आ लिए, वहाँ डॉक्यूमेंट सब दे दिए, संयोग से उसी दिन वहाँ यहाँ जो काउंसिल है श्रीनाथ त्रिपाठी जी, उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है अब मत दौड़ना, हम जो है यहाँ से सर्टिफिकेट तुम्हारा मैनेज कर लेंगे। भाई देखिए वोट की राजनीति भी चलती है, यस सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से सहयोग मिला, फिर सर्टिफिकेट आ गया। अब जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब का रहा, पहला केस ना, उसी पर अब आते हैं। तो पहला केस साहब हमारे पास ऐसे आया कि हमारे बगल में एक भूपेंद्र चौबे नाम का लड़का रहता था, नाम भी बता रहे हैं आपको, वो लड़का लड़ाई झगड़ा करता था थोड़ा, जैसे कुछ होते हैं नोटोरियस एलिमेंट होते हैं। तो हम नोटोरियस इसलिए कह रहे हैं कि नोटोरियस शब्द खराब नहीं है, जी जी, वो चंचल शब्द का परिचायक है, तो हम नोटोरियस कह रहे हैं, ठीक है भाई उसके हिसाब से वो सही होगा, कोई व्यक्ति अपने हिसाब से गलत नहीं। तो महोदय जो है मार झगड़ा करते थे, किसी से मार झगड़ा कर लिए थे, उसके बाद छुप के घर में बैठे हुए थे। हमसे कह रहे थे कि हमको भय है कि वो लिखवा पढ़वा देगा। तो हमने फिर जो है गुरुजी से हमने बात की, और ये देखते थे कि जो है क्रॉस वॉस होता था केस, हमने कहा आओ तो देखो जो है FIR करवाते हैं तुम्हारी। तो भाई 154 हम लोग आगे बढ़े, एप्लीकेशन दिए, पुलिस थाने पर गए, नहीं लिखा, जैसे करते हैं पुलिस वाले। फिर उसके बाद 154 भी पढ़े कि साहब SSP को भी भेजा जा सकता है, उस समय यहाँ पुलिस कमिश्नर नहीं हुआ करता, SSP महोदय को रजिस्टर्ड डाक से भेज, जो लिखा है उसमें एक्ट में रजिस्टर्ड। यहाँ देखिए आपका आपकी पढ़ाई काम आएगी, यहाँ पे आपकी पढ़ाई काम आएगी, और वो सिर्फ यहीं का बच्चा कर सकता है, ये भी बता दूँगा आपको। बहुत दुखद विषय है, मैं आपको बता दूँ, मैं देखता हूँ ना कचहरी में रोज देख रहा हूँ, यस सर, नए लड़के आते हैं डोंट नो हाउ टू राइट अ कंप्लेंट, ठीक है। प्रेयर सबसे एसेंशियल बात प्रेयर होती है, कोई कंटेंट आपका पढ़ने नहीं जा रहा है, उस पुलिस वाले कमिश्नर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका प्रेयर देखेगा खाली। प्रेयर में किसी को ये पता ही नहीं है, वकील साहब लोग लिखते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको दंडित करने की कृपा करें। पुलिस दंडित करेगी आप बताइए? उचित कार्रवाई करिए, विवेचना की बात करिए, पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है ना, पुलिस दंडित करेगी? दंडित तो करेगी नहीं, लेकिन लिख देते हैं कि महोदय इनको दंडित करने की कृपा करें। तो ये एक समस्या का विषय। बहरहाल तो हमने जो है उसका एप्लीकेशन तैयार करके हमने जो है बाई पोस्ट भेज दिया। बाई पोस्ट भेजने के बाद हमने स्टेटस रिपोर्ट निकाला कि SSP साहब के पास पहुँचा कि नहीं। फिर हमने सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 एक बनाकर फाइल किया कोर्ट में। अब भाई देखिए उस समय तो हम BHUs पढ़ के नए नए गए थे, मूड कोर्ट वाला खुमार रहता था और yes, तो हम अंग्रेजी में बना उना के दाखिल कर दिए। तो जज साहब जो तरुण शर्मा जी थे, हम इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं, कह रहे वकील साहब जज साहब जो बता रहे हैं आपको,
वकील साहब इसको जो है हिंदी में फाइल किया करिए, आप नए हैं हम आपको राय दे रहे हैं, देखिए ये समस्या। भाई क्या समस्या है, हम अंग्रेजी में फाइल कर दे रहे हैं। आई एम द कंप्लेनेंट। भाई आप जनरल रूल क्रिमिनल को भी देखिए, तो जनरल रूल क्रिमिनल इतना ही कहता है कि सारा काम हिंदी में होगा सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, कि भाई उसको किसी अन्य भाषा में करना है तो उसका भी कंसेंट ले लीजिए, उसको भाषा समझ में आती है कि नहीं, ये जनरल रूल क्रिमिनल कहता है। सिविल भी यही कहता है। तो लेकिन अभी तो कोई नेक्स्ट पार्टी है ना, अभी तो हम अकेले हैं। जज साहब कह रहे हैं कि भाई हिंदी में फाइल किया करिए। वकील साहब कब के पास आउट है? तो हम कह सर टेक्निकली तो इसी साल के हैं, लेकिन हम कचहरी दो तीन साल से आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदी में किया करिए, आगे ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ सिखाया गया था हमारे जो महानतम अध्यापक हुआ करते थे MP सिंह साहब, मतलब बढ़िया प्रोफेसर थे, तो कहते थे अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है लॉ के लिए, लॉ पढ़ना है, अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। तो उस दिन हमको बड़ा खेद हुआ ये सुन के, सोच के कि बताइए पढ़ लिख के क्या है, हुआ क्या, लेकिन ठीक है बारह। तो वो हमारा पहला मुकदमा था ब्रदर। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट ट्रीट किया, FIR के लिए ऑर्डर नहीं किया, कंप्लेंट ट्रीट किया। तो वो ऑर्डर आया, ये हुआ कि 156(3) जो है स्वीकार करने योग्य नहीं है, चूँकि इनके पास साक्ष्य पर्याप्त है, ये स्वयं अपने चीज़ों को साबित कर सकते हैं। तो हम जो है हम लोग इसको कंप्लेंट ट्रीट कर लेते हैं, परिवाद में दर्ज कर लेते हैं, धारा 200 का बयान एग्जामिनेशन के लिए, हालात तिथि नियत हो। तो हुआ फिर 200 का बयान हुआ, 202 का बयान हुआ, तलब भी हो गए, मारपीट हुआ था 323, 504, 506 में तलब हो गए। तो ये हमारा पहला केस था। उसके बाद हमको जो है वही लड़का, देखिए यही तरीका है यहाँ का वकालत में, एक से दो होते हैं, फिर वही लड़का मेरे पास एक कंज्यूमर मैटर लेता है। बड़ी सर ऊपर बैठिए ना, सर ऊपर बैठ जाइए, आप भी बैठिए सर ऊपर बैठिए, अरे सर बैठिए प्लीज। ठीक है, देखिए हम यही किए हैं, ठीक है, यही किए हैं, तो वकालत में हम खड़े हैं, जान लीजिए। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है इसका किसी भी पेशेंट। अगर आप उसमें बैठ भी जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप हम लोग इंफीरियर जो है? नहीं नहीं, बात इंफीरियर सुपीरियर की नहीं है ब्रदर, इंफीरियर सुपीरियर की बात नहीं है, बात है ना कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा है, ये बात है, बात इंफीरियर सुपीरियर की। आपका जमीर क्या गवाह रहा है? आप यहाँ है, आप यहाँ क्यों है? ये एक अच्छा है कि जमीर क्या गवाह, ये थोड़ा सा हैवी वाला डायलॉग था। आप यहाँ है, आप हमसे उम्र में छोटे हैं, बायोलॉजिकली आप हमसे छोटे हैं, संभवतः बायोलॉजिकली आप हमसे बड़े होते तो हम उधर होते, आप इधर होते, यही ना डिफरेंस है, यही ना डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। बाकी आप उसी संस्था में पढ़ रहे हैं जहाँ हम पढ़े हैं, आप वही उसी जगह उन्हीं अध्यापकों के बीच में जहाँ हम थे, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है नीचे ऊपर वाला। लेकिन जमीर गवारा कर रहा है, पैर गवारा नहीं कर रहा। बैठे सर, आप बैठे सर, नहीं ठीक है, थोड़ी चीजें यही थी। उसके बाद वही व्यक्ति मेरे पास कंज्यूमर का एक मैटर लेकर आया, कंज्यूमर मैटर था, उसमें आर्बिट्रेशन था, और आर्बिट्रेशन इन्वोक हुआ था, और उस समय 2012-13 में इतना चलन नहीं था जैसे आज आर्बिट्रेशन का बहुत चलन हो गया है। अब तो छोटी छोटी बातों पे भी आर्बिट्रेशन ही मैटर लोग चाहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें डिस्पोजल हो जाती है। कोर्ट भी तो नहीं होगी तो नहीं, तो नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ तो थाने जुरिस्डिक्शन, तो चीज़ें थी अच्छी। उसको जो है हमने कंज्यूमर मैटर आया था, आर्बिट्रेशन हुआ था, आर्बिट्रेशन में जो है फिर उसके खिलाफ अवार्ड हो गया था, तो उस अवार्ड एक्सपायर्टी हो गया था, समय टाइम लिमिट ख़त्म हो गया था, तो फिर सेक्शन 34 हमने फाइल किया था डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। बड़ा टफ था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग था उस समय, क्योंकि आर्बिट्रेशन करने वाला बनारस में कोई है नहीं, बनारस में एक आध दो चार लोग आपको मिलेंगे, अब हो गए हैं धीरे धीरे, तो आपको हमको लगता है 150 मिलेंगे, लेकिन उस समय की स्थिति में 10-5 लोग थे। एक रमेश राय एडवोकेट है, तो उनसे मेरी बातचीत होती थी थोड़ा सा, हम ये देखते थे, देखिए एक ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको स्वयं को देखना है कि कौन व्यक्ति है जो किस पर्टिकुलर जगह पर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई मुकदमा मिला तो आप एक दो दिन थोड़ा कंज्यूमर कोर्ट को वॉच करिए। जैसे एक काम मुझे इनका अच्छा लगता है, ये आते हैं त्रिनंदन आते हैं, ये रेगुलर बेल में जाते हैं, एक काम इनका हमको बहुत अच्छा लगता है, ये काम हम करते थे, हम तो मान लीजिए DGC साहब के उसमें जाते थे मार्गदर्शन में, लेकिन ये स्वयं जाते हैं, ये हमको अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए ऐसा मत सोचिएगा किसी व्यक्ति को हम कुछ इन्फीरियर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि आप जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, कि साहब जज साहब PB देंगे कि नहीं देंगे, एक बड़ा विषय, कि जज साहब इंटरिम बेल दे देंगे कि नहीं दे देंगे, ठीक है, तो इंटरिम बेल में क्या कंडीशन चल रही है। देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं, सिर्फ प्रोविजन से ही काम नहीं चलता है, जज साहब का मूड कैसा है भी देखना है ना, जज साहब का मूड कैसा है, जज साहब क्या सोचते हैं ये भी देना है। आप तो मान लीजिए एंटीसिपेटरी यहाँ पे UP में लागू हो गया, आप तो
बल्ले बल्ले है वकील साहब लोगों की, जहाँ नहीं होता वहाँ एंटीसिपेटरी घुसाते हैं। एक तो बेल डालना है, आइए 10-5 हज़ार इसमें भी लगेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लाइंट को बता के तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओगे मेरे सरेंडर भी नहीं करना है। क्लाइंट तो खुश भाई, क्या कर रहा है, एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा है, ठीक है चलिए। तो ये हो गया है, लेकिन देखना पड़ता है कि आप पीबी कब दे रहे हैं, 7 ईयर्स से नीचे के ऑफेंस में दे रहे हैं, और कॉमर्शियल ऑफेंस में उनका क्या व्यू है, और आपका क्या नाम से अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह है, और ये क्या नाम से ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है 354 वगैरह, 376 तो भूल जाइए, 354 वगैरह है, तो इस सब में क्या उनका पर्सपेक्ट है, क्या सोचना है, खासकर तो 354 बी को लेके ज़्यादा इशू रहता है। और आपका क्या नाम से ये ऑफेंस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो क्या भी हुआ, तो मैट्रिमोनियल जब से अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आ गया उसके बाद से परिस्थिति एकदम बदल गई है, कोई जेल वेल अब नहीं जाता, नहीं तो पहले सास पति बुक, शादी करने से पहले शादी करने को पहले आदमी 10 बार सोचे, ठीक है। तो हाँ, एक विषय शादी से याद आया कि वकील होने के बाद थोड़ा समस्या ये होती है, या तो अपने से मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ दिन इंतजार करिए, ये एक समस्या है। ये सामाजिक वास्तव में वकील को लोग रोजगार वाला समझते ही नहीं है, यस, अनलेस कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम, अगर आप बेरोजगार है हो सकता है कि चलो ठीक है वकील है, जी जी सर, ये यार इसका तो कुछ होना नहीं है बाकी, तो ये थोड़ा सा सोच हो जाती है। आप जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि का भैया तो लिखवा को नौकरी नहीं लगा भाई, ये प्रश्न जो है फट से आता है, अगर मैं वकील लड़का कह रहे वकील तो राम कुमार कुशवाहा भी होगा, साइकिल जाऊंगा। प्रश्न है, देखिए हमारे यहाँ हम बहुत इससे व्यथित हैं, हमारे यहाँ जो है ना रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप बैठे हैं लॉ स्कूल में बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठ के यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यहाँ आपका एक अलग परिवेश है, अलग व्यवस्था है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी मात्र संस्था है, LLB के बाद सभी एडवोकेट होते हैं, ये तो क्लियर है, उसके बाद ही ना लोग जो है जुडिशियल ऑफिसर होते हैं या कुछ भी होते हैं। तो जो हमारी मात्र संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो ऐसे ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दे दी है, कष्ट का विषय है ये, तो हम आप लोग के बीच में बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉलेजेस को जो है मान्यता दे दी है, जो कॉलेजेस जहाँ की बोरे पे बैठ परीक्षा हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, नकल हो रहा है, सारी एडमिशन होने के बाद कोई जाता भी नहीं है, लोग जाते नहीं है, करते नहीं है, ये तो बड़ा दुखद विषय है भाई। 4 पिलर जो संविधान समाज के डेमोक्रेसी के हैं, ठीक है, उसमें तो एक पिलर एडवोकेसी भी तो है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पेशा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पेशा है, जो भी इसके साथ आप अलंकरण जोड़ दीजिए सब कम, जेंटलमैन प्रोफेशन है, एथिकल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, जो कहिए सब कम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कोई आदमी आपके सामने आता है तो अपनी व्यथा लेकर आता है ना, आप सिर्फ इतना कह दीजिए उससे, जाइए कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, इतना रिलीफ हो जाएगा उसके लिए, आप अपने आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, आपकी बेसिस क्या होगी, कुछ नहीं, एकदम नील है। ये होता है जैसे आप लोग बता के चले जाते हैं और आपको टेंशन लेके चले जाते हैं, फिर आप उसकी टेंशन लेकर रिसर्च करना शुरू करते हैं, वो तो खुद से चला गया कि चलो ठीक बता दी वकील देखेंगे, यही मिला जुला के प्रश्न ये है कि आप अगर ट्रस्ट होता है, आप तो धीरे धीरे मुवक्किल चालाक भी होने लगे हैं, ठीक है, और ट्रस्ट पूछेंगे, ट्रस्ट के साथ क्वेरी भी लेकर आते हैं, जब शुरुआती वकील देंगे ना तो फ्री सर्विस बहुत देनी पड़ती है, वो आपके आस पड़ोस मोहल्ले जो भी फलाना फलाना से पूछ लेते, भले आपसे करवाना नहीं है लेकिन आपको एक बार सवाल था, जो हम लोग 1-2 साल स्ट्रगल है उसको कैसे उसको कैसे लिया जाए सर, 6 महीने वो कैसे, अच्छा मीट आउट कैसे किए, नहीं नहीं आपका आपका प्रश्न बड़ा सही है। देखिए ऐसा है कि हम आपको देखिए और भी बात बता दें कि साथ में हम ट्यूशन व्यूशन भी करते थे, ठीक है, तो वो हमारा मीट आउट का तरीका था, ठीक है, और भी बात आपको बताएं, मतलब कुछ छुपाने की बात नहीं है, हम संगीत से भी संबंधित हैं, ठीक है, गाना बजाना भी करते हैं, ठीक है, उससे भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आ गए लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन में, उसमें छूट, ठीक है, आज भी हम रियाज वगैरह करते हैं, गलती जाते हैं, लेकिन आप किसी मंच पर नहीं जाते, क्योंकि चक्कर क्या है, देखिए जब आप यूरोप में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ ये टैलेंट है, ये मजाक नहीं, ये टैलेंट है, ठीक है, स्किल की चीज़ नहीं है कि आप पढ़ लिए सीख लिए आप कर लिए, गाना हर व्यक्ति नहीं गा सकता, जिसको ईश्वरीय कृपा होगी वही गा सकता है, जिसको ईश्वरीय कृपा है वही गा सकता है, लेकिन यहाँ से समस्या क्या है समाज की, लोग सोचेंगे कि साहब आप जो है वकील साहब का वकालत ना चला तो गाना गाओ, यही सोचेंगे लोगों के साथ, ये समस्या, ये यूरोपियन कंट्रीज में आप चले जाइए कितना सम्मान होता है, इसीलिए हमारे यहाँ बिस्मिल्ला खान साहब बैठ के कोई सुनेगा नहीं, लेकिन बिस्मिल्ला खान साहब तो जो है विदेशों में कितना सुनने वाले लोग, वहाँ जाते कैलिफोर्निया में उनको कहा गया कि आप रुक जाइए यहीं पे, जब बिस्मिल्ला खान साहब वहाँ गए तो उनको कहा गया कि यहीं रुक जाइए, जाइए ही मत, लेकिन वो नहीं माने कि हम तो वहाँ महादेव के सामने नहीं बजाएंगे तब तक हमारा मन नहीं भरेगा,
तो यहाँ बजाते थे ना मंगला आरती में, मंगला गौरी घाट, मंगला गौरी मंदिर के सामने बजाते थे। अब बिस्मिल्ला खान साहब का कोई बहुत व्याकरण संगीत का अच्छा नहीं था, हम आपको बता रहे हैं, वो बहुत टेक्निकली सीखे हुए व्यक्ति नहीं थे। लेकिन वही वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक्सरसाइज दैट मेक्स मैन परफेक्ट, वही काम उन्होंने किया। ठीक है, बाकी देखिए आप ये जान लीजिए कि आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कभी ना कभी आपको नेचर को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। ये होपलेस बात में हो जाता है कि अगर आपसे बात में पैसा नहीं मिलता है, दिक्कत बात हो जाए। बहुत हाई हाई मोरल के साथ पेशे में आइए, तब आइए। उस समय आप कितना बार टूटेंगे, आप जाने साल दो साल चीजों को भूल जाइए, एकदम कष्ट भूल जाइए। जब आप निकलते हैं तो सोचिए निकलते हैं कि घर से लगा के जा रहे हैं, फिर वापस आना, फिर घर से मजा लीजिए कष्ट में। घर वाले सोचते हैं तुम रोज जा रहे हो, कुछ लाओगे कि बस खाली ले जाओ। पेरेंट्स का सर लिटिगेशन के प्रति नेगेटिव थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो सबका रहेगा, हमारे भी पेरेंट्स का था। हम भी रेबल करके लिटिगेशन किए, हम भी रेबल करके किए। आप लोग जाइए देखिए, हम ये सब बातें तो हो गई, जैसे कि कंटेंट आपके उसका कि भाई लिटिगेशन में आप आते हैं तो क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब शेयर करने को इतनी चीज़ें हैं कि शायद हम सुबह से शाम हो जाए, कम नहीं होगा शेयर करने को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं, ये एक बड़ा विषय है। अगर देखिए मान लीजिए कि आप काम करना चाहते हैं, लिटिगेशन में ही जाना चाहते हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप बड़ी अदालतों में जाएंगे तो संभवतः पेरेंट्स मानेंगे, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो संभवतः पेरेंट्स, क्योंकि वो एक अलग टैग हो जाएगा, तो संभवतः पेरेंट्स मानेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब जैसे देखिए, हमारे पिताजी, इनके पिताजी भी, हम लोग दोनों लोग के पिताजी जो है लीवर पेशेंट थे, ठीक है, लीवर सिरोसिस वाले केस वाला केस था, तो हम लोग नहीं छोड़ के जा पाए यहाँ से, हम लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जा पाए, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं है, जिसके पिताजी साथ फ्री है या घर में छोटे हैं, बड़े भाई लोग हैं, नहीं, हाई कोर्ट में जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस जरूरी है क्या, एक दो साल कुछ सीधे चले जा सकते? ऐसा कुछ नहीं ब्रदर, ये सब खाली आपके ऊपर है, छोटे तालाब में बड़ी मछली बननी है कि बड़े समुद्र में जाकर छोटी मछली बननी है। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ 10 साल प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको हाई कोर्ट जाने का मन करेगा? नहीं सर, आपका सेटल हो जाए। मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं जा सकता हूँ हाई कोर्ट, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ का काम कौन करेगा, यहाँ कैसे मैनेजमेंट होगा, यहाँ की चीजें मैनेज करने के लिए तो फिर आपको समस्या होंगी। फिर वहाँ पर भी स्टार्टिंग करने में, फिर वहाँ पर जहाँ हम यहाँ थे 2013 में, आज हम हाई कोर्ट जाएंगे तो फिर वही 2013 में पहुँच जाएंगे, 10 साल पहले पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ये सब तो मतलब विचित्र सी बात है। आप जिस जगह जिस जगह आप हैं उस तरीके से आगे बढ़िए। हाँ, ये हम आपको, ये तो पर्सपेक्ट मान लीजिए वकालत वाला हो गया, सहयोग वाली बींग अ सीनियर, आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, वहाँ भी लोग अपने हैं, आप मतलब मान लीजिए कि हजारों की संख्या में अधिवक्ता हैं, हजारों की संख्या में जो सेटल्ड हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि 1984-85 के भी अधिवक्ता उपलब्ध हैं, 1975 के भी अधिवक्ता उपलब्ध हैं, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको करना हो तो आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ पूरा जिससे मेरा कनेक्शन है, मैं सबसे कनेक्ट करा दूँगा लोगों, आप लोगों को जो है अच्छा चैम्बर मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। सबसे स्टार्टिंग में देखिए, ये मत सोचिए कि हमको पैसा कितना मिल रहा है, स्टार्टिंग में साल दो साल तो ये सोचिए कि हमको काम कितना अच्छा मिला, अगर लिटिगेशन का मन है तो, क्योंकि फिर वो आपको इतना पैसा दिलाएगा कि भाई आप सोच नहीं सकते। आप विश्वास मानिए, बहुत पैसा है इस लाइफ में, क्योंकि पैसा, हमने पहले भी कहा ना कि वो मेजरमेंट है पैसा, कि जो है आप कितना सक्सेसफुल है, वो 6 डिजिट से 7 डिजिट हो जाएगा तब तो फिर आप क्या पूछना है। छोटे डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं होंगे तो आप जो बनारस तो बड़ा है, काम यहाँ अच्छा है, नहीं अब देखिए ऐसा है, छोटे जगह पर दिक्कत होगी लोगों को, किसी जगह भी आप काम करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे अधिवक्ता हैं, अच्छे चैम्बर से हैं, आपको काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अलग विषय है कि नेचर ऑफ ऑफेंस अलग अलग होंगे या नेचर ऑफ लिटिगेशन अलग अलग होंगे। अब आप गाजीपुर में चले जाएंगे, वहाँ मारपीट मिलेगा, जमीन का विवाद मिलेगा, ठीक है, हत्या मिलेगा, ठीक है, बलात्कार मिलेगा, ये सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जो है आजमगढ़ जाएंगे गाजीपुरी सब बेल्ट में, लेकिन अभी आप नोएडा चले जाइए तो वहाँ आपको फ्रॉड कॉमर्शियल ऑफेंसेस ज़्यादा मिलेंगे, रेप भी है भाई, दिल्ली के एरिना में रेप बहुत मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे ये फ्रॉड मिलेगा, कॉमर्शियल लिटिगेशन मिलेगा, आर्बिट्रेशन मिलेगा, इस तरह के काम ज़्यादा मिलेंगे। दिल्ली चले जाइए, वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी है, रेट भी करिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिटिगेशन का मन हो तो इस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके आगे ले जाइए। ये एक दिन का काम नहीं है, लिटिगेशन एक दिन का काम नहीं है। आप ये सोचिए ना कि जैसे आप जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, एक दिन का काम है नहीं, साल दो साल चार साल कुछ समय देते हैं ना, वैसे ही आप लिटिगेशन में भी समय देंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा 100% एश्योरेंस है। नहीं तो हमारे पास आइएगा, हम सर्टिफिकेट आपके सामने रख देंगे अपना, हम जेन्युइन बात बता रहे हैं। आप अगर ईमानदारी के साथ समय देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपको लिटिगेशन में समय, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करिए कि रोज़ रात को
जैसे तबियत खराब होती है तो सेट्रिजिन खाकर सोते हैं ना लोग, यस सर, तो रोज रात को हमको एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट पसंद है, उसकी एक रूलिंग हमको रात में पढ़नी है, ठीक है। हम देखिए एक तैयारी के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहे आपको कि बेयर एक्ट उठाइए, एक तो सेक्शन मान लीजिए 300 सेक्शन 300 को डिफाइन करना है तो उसका इंग्रेडिएंट वाइज बना लीजिए, फिर उस पर इंपॉर्टेंट केस लॉ बना लीजिए और उसके बाद कापी में लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा, अच्छा ये तो अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन बेसिक तो जानना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है आप एक केस लॉ कोई भी जो सब्जेक्ट पसंद हो, जिस किसी को सिविल पसंद होगा, किसी को क्रिमिनल पसंद होगा, उससे दो फायदे होते हैं, एक तो अद्यतन आप अपडेटेड रहते हैं, दूसरी बात ये होती है कि आपका जो आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल है वो डेवलप करता है। जब आप एक लॉ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो है आप 302 का ही कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं, तो बड़ा क्लियर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक बड़ी समस्या, मतलब नहीं कहना चाहिए भाई, आप रिकॉर्डिंग में नहीं कहना चाहते कंटेम्प्ट हो जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक जजमेंट जो है आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे FIR से लेकर टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरी डिटेल उसमें लिखी रहेगी, PW1 ने ये कहा, PW2 ने ये कहा, ये फैक्ट का गवाह था, ये फॉर्मल गवाह था, फैक्ट फॉर्मल ये सब समझते हैं ना, ये सब चीज़ें समझ रहे हैं ना, तो ये गवाह ने ये कहा, इसने ये प्रूफ किया, एग्जिबिट पढ़ा, ये एग्जिबिट था, ये एग्जिबिट था, एग्जिबिट भी समझते हैं, जैसे तहरीर है, है ना, एक बड़ी समस्या है, छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहिए, अच्छी बात होती है, आप लॉ स्टूडेंट हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मोबाइल खो गया, एक तो एप्लीकेशन लिखे गए मोबाइल, उस पर मोहर लगाकर थानेदार ने जब दे दिया SO ने या मुंशी ने उसके, तो लोग कहते हैं FIR हो गई, FIR नहीं होती है सर, वो कंप्लेंट है, जिसको जनरल डायरी में दर्ज करना उसकी जिम्मेदारी है। थाने पर दो तरह की डायरियाँ होती हैं, जनरल डायरी, एक GD होती है, एक CD होती है, ठीक है। जनरल डायरी में रोजमर्रा की जो वहाँ के काम हो रहे हैं, कितना लोग निकल रहे हैं, हाँ रोज नाम चाह, वेरी नाइस, तो लोग निकल रहे हैं, कौन बंदूक लेके जा रहा है, कौन गोली लेके जा रहा है, कितने वाला कांस्टेबल गए, कितनी महिला कांस्टेबल गई, कितने पुरुष कांस्टेबल गए, ये सब होता है। और केस डायरी होता है किसी पर्टिकुलर क्राइम नंबर के संबंध में, कि भाई फलाना क्राइम नंबर है, मान लीजिए 420 क्राइम नंबर है, 420 Sun 22, तो उसमें आपका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया, वो डेली का रिपोर्ट अपना उसमें मेंशन करता है। तो आप जो है कहाँ थे हम, एग्जिबिट वो पढ़ने के लिए, तो आप जो है जब रूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें FIR है, FIR के कंटेंट के बारे में कोर्ट डिस्कस करती है, जो एविडेंसेस हुए उन एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करेगी, 313 क्या है, क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, 313 एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसी भी ट्रायल में चले जाइए, 313 बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जितने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हुए हैं उसमें से किसी भी सिंगल एविडेंस को आप छोड़ नहीं सकते 313 में, क्वेश्चनिंग करना, रिबर्ट करना, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोई चीज़ आप छोड़ते हैं तो वो लैकुना होता है, वो बाद में डिफेंस मिलता है उसको एक्यूज को इस बात का, ठीक है। मैंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी मुकदमा किया है और कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वगैरह की रिपोर्ट आती है। एक केस में मुझे याद है अच्छे से कि उस केस में स्टेट वर्सेस हीरा सिंह, तो उस केस में जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट थी उसको एग्जिबिट नहीं कराया था कोर्ट ने, मतलब प्रोसिक्यूटर ने, और कोर्ट ने 313 पर उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब हमारा प्रश्न था कि 313 में भी नहीं आया, एग्जिबिट नहीं पड़ा, तो कोर्ट कहती है कि जो है 313 तो हमने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एग्जिबिट नहीं पड़ा था, तो हम कह सर आइए पीछे, तो अब पीछे तो जाना नहीं चाहते, 2002 का मुकदमा था मेरे पास, तो आर्ग्यूमेंट स्टेज पर आया, तो उसके बाद वो हमको फ़ायदा मिला था, जजमेंट मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, पढ़िएगा उसमें, वो 200 रुपये का मामला था, लेखपाल को 200 रुपये की घूस में लेखपाल फंसा था, ठीक है, लेकिन जान तो फंसी हुई है भाई, 200 रुपये हो चाहे 2 करोड़ और घूस तो घूस है, ठीक है। तो उसमें जो है वो उसको हमने यहीं से रिहा करवाया था, एक्विटल हुआ था उसका, लेकिन कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि उस 313 ग्राउंड बना था, जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था, उस बेनिफिट ऑफ डाउट को देते समय उस रेशियो का भी इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर या सर पुलिस का भी नहीं होता, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का भी एग्जामिनेशन तो हाँ होता है, बिल्कुल मिल जाता है बेनिफिट ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल, अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल ही मिलेगा, क्योंकि वो प्राइमरी एविडेंस है ना भाई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही तो प्रमाणित करेगा कि वो CD उसने बनाई है, वो नक्शा नजरी उसने बनाया है, वो FIR दर्ज करने के बाद फलाना को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने भेजा है, या फला व्यक्ति को उसने दिया है, या फला को उसने डिप्यूट किया, या फला काम उसने किया है, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बताएगा, ठीक है। उसके बाद CRPC के हिसाब से उसने जैसा केस हो, एज द केस में भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया कि नहीं कराया, ये तमाम तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें उसने की कि नहीं की, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बताया, वहीं पे लैकुना मिलेगा, ठीक है। वो जाली LLB का जो एक आर्ग्यूमेंट था बोमन ईरानी का, वो अच्छा आर्ग्यूमेंट था भाई, देखिए विचित्र सो पिक्चर थी वो, सेंसलेस मूवी थी, उस अननेसेसरली समाज के सामने वकालत को एक विचित्र तरीके से प्रेजेंट किया गया था, वो नॉनसेंस बात है, ठीक है। हमारा पुराना जो है इतिहास प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन लिख रहे हैं, हमारे यहाँ जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जो हमारे संस्थापक है पूजनीय आदरणीय, वो स्वयं वकील रहे,
ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी वो जैसे रहा, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता हो सकती है। कोई बीजेपी माइंडेड होगा तो सोचता होगा नेहरू जी वॉज नॉट गुड, और जो कांग्रेस माइंडेड होगा वो सोचता होगा नेहरू जी सर्विस सर्वा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ही वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट, महात्मा गांधी ऑल्सो वॉज एन एडवोकेट, मोतीलाल नेहरू ही वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि ऐसा इतिहास रहा है हमारा, ठीक है। हम ज़बरदस्ती एक्चुअली क्या है ना, हमारे कानों को सुनने में बुरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो पचा लेते हैं, उसमें हमें दस्त और जुलाब नहीं होती दूसरे, ठीक है। तो अच्छा है, एक घंटा बात तो हो सकती है, और अच्छा ही करने का तो 10 मिनट बात नहीं हो पाती। बोमन ईरानी ने जो आर्ग्यू किया था कि मेरे क्लाइंट को इस शैबी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस बुलशिट इन्वेस्टिगेशन के लिए पनिश नहीं किया जा सकता, ये आर्ग्यूमेंट अच्छा आर्ग्यूमेंट था। इसको यूज मतलब इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस मतलब बेसिस का कई सारी रूलिंग्स हैं, आप पढ़ेंगे पुराने जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर को पढ़िए, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट। आप बिल्कुल कहे तो ना, बंडल ऑफ केसेस आपको मिल जाएंगे कि जो शैबी इन्वेस्टिगेशन है, शैडी या शैबी दो वर्ड है अलग अलग, तो वो इन्वेस्टिगेशन या जो आपके एक कह सकते हैं आपको जो कि कॉन्कॉक्टेड इन्वेस्टिगेशन भी कहीं कहीं कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया है, तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है उस इन्वेस्टिगेशन में आपको बेनिफिट डिफेंस को मिलता है, एक्यूज को मिलता है। तो ये आर्ग्यूमेंट मतलब ये वही बात, हमारा काम तो देखिए वही है कि गेहूँ में से घून को अलग करना है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रेस्प कर लीजिए, तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, ठीक नहीं हुआ मैं उस समय लगे जल्दी तो मिला जुला के हम दिल्ली में भी आप लोग जाना चाहें, दिल्ली में भी प्रैक्टिस करना चाहें, तो वहाँ भी लोग हैं अपने, बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर के, ए ओ आर हैं जो बी एच यू से हैं, दुनिया भर के अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो बी एम डब्ल्यू से चल रहे हैं, आज यहीं के प्रैक्टिशनर हैं, आप ही के बीच के पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जान के हैरानी होगी, आप ही के बीच के लोग जो आपको आर्ट एंड कल्चर में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सत्याव्यास जी का नाम सुने आप लोग? सत्याव्यास हाँ, बहुत सुंदर। तो सत्याव्यास जी को देखिए, वो आर्ट लाइन में एकदम एक नंबर पे हैं, उनके उस पर जो 84 उन्होंने नॉवेल लिखी थी उस पर तो वो बना है, अभी एक ग्रहण एक सीरीज आती है ना डिज्नी हॉटस्टार पे, वो उन्हीं के लिखे, वो आपके बीच के हैं, आपके सीनियर हैं, फेसबुक पर खोजिए, उनसे बात करिए, किसी का इंटरेस्ट अगर उस लाइन में भी हो तो भाई वो अलग विषय है, वो तो अलग सब्सटेंस है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी यहाँ का छात्र है, मेरा ये बताने का नियत ये है कि यहाँ का छात्र जहाँ है वहाँ टॉप पर है। मैं मतलब नहीं कहना चाहिए क्योंकि अपने से अपना बखान नहीं किया जाता, लेकिन मैं ज्ञानवापी प्रकरण में भी अधिवक्ता हूँ, अगर आप लोग देखते हो न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये कि वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम का मुकदमा है इस समय, मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, आप ही का नाम हो रहा है ना, आप ही तो कहेंगे ना कि हमारे सीनियर हैं, ठीक है। आपका ही सम्मान आपके लिए ही ना सम्मान का विषय है, संस्था के लिए सम्मान का विषय है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप जहाँ रहिए बेस्ट रहिए, ये इम्पॉर्टेंट। सर वैसे मैटर सब्जुडाइज है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बता पाएं उसके बारे में, ज्ञानवापी। अच्छा, ज्ञानवापी प्रकरण के बारे में देखिए भैया, ऐसा है कि उसमें क्या कहा जाए, कुछ लोग तो पब्लिसिटी के लिए भी चलते हैं साथ साथ, अब क्या करेगा, अच्छा बुरा हर पहलू होता है, लेकिन मुकदमा मोटा मोटा ये है कि एक सिविल सूट फाइल होता है, ठीक है, सबसे पहले पूजा के राइट को डिक्लेयर कर देने के लिए। अब जैसे कि सीपीसी तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है, डिक्लेरेशन का सूट जब फाइल होता है तो उसके साथ कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जरूर होनी चाहिए, क्या जानते हैं। तो जो एक मुकदमा राखी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, तो सूट बार्ड बाई लॉ को लेकर वो खड़े होते हैं, कहते हैं सर प्रणाम,